we are starting question number 7, exercise 12.3, class 10th के लिए math चल रही है. ABCD जो square, brother ABCD ना एक square, ठीक है? Side इसकी कितनी है? 14 centimeter है. और यहाँ पर ये इस तरह से circle अगर हम बनाते हैं, तो definitely ये 7 centimeter रह जाएगा. और ये भी 7 centimeter, सारी side से 7 centimeter रह जाना है. ये 7 centimeter मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि 7 centimeter क्या बन जाएगी sir? रेडियस बन जाएगी. किसकी रेडियस बन जाएगी? जो आपका ये सर्कल बना है. अब देखिए, इसे सोल्व करने के दो लॉजिक है. अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं. देखिए, अगर आप इन चारों पार्टों को जोड़ते हैं तो ये चारों पार्ट मिलकर एक सर्कल बन जाना है. तो आप सर्कल का एरिया इस स्क्वायर के एरिया में से घटा लीजिए, तब भी आ जाएगा. या अगर आप सेक्टर की तरह से, त्रिज्याखंड की तरह से सोचते हैं, तो आपके पास यहाँ पर चार सेक्टर है. बात समझ में आ रही है? एक, दो, और ये तीन, और ये चार. ये चार सेक्टर हैं और चारों सेक्टर सेम है, मतलब बराबर एरिया के हैं. तो आप क्या करिए, आप ये जो स्क्वायर का एरिया है ना, इसमें से इन चार सेक्टर को माइनस कर लीजिए. तो आपके जो प्लानिंग है वो बन चुकी है. आइए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन हमारे पास है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो हमारे पास कैसे आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई. ब्रदर मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों करी, समझ गए ना आप? क्योंकि 4 है ना, 1, 2, 3, 4. और फिर क्या यहाँ पे? थीटा अपॉन 360, याद है, पाई आर स्क्वायर. बहुत अच्छी. तो ये देखो, आपके पास ऑप्शन आ गया. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से आपको याद था. और यहाँ पर आपके पास थीटा कितना है जी? थीटा आपके पास 90 होता है स्क्वायर के चारों कोनों पे, 360, और पाई आर स्क्वायर. देखिए भाइयों, इससे ये और इससे कैंसिल हो गया. तो आपके पास साइड कितनी है? 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई कितना है? 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. यहां से कैंसिल हो गया. 14 मल्टीप्लाई 14 196, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 154. ब्रदर आप इसे माइनस करेंगे ना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया है. आई होप ये इजी सम जो मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी थी आपको समझ में आ गया है. अगर समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो मुझे लाइक कीजिए प्लीज, शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, और इस नंबर को, ये जो नंबर है बहुत इजी, 7011 और आपके पास 44 11 4 7 8, काफी इजीली याद रह जाता है, इसको याद रखिए. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको उस व्हाट्सअप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा. थैंक यू वेरी मच.